क्वेश्चन आंसर जो है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ विल यू ट्रीट अ बी स्टिंग। अब ये भी पढ़ा था हमने कि बी स्टिंग, बी स्टिंग के अंदर क्या होता है, एसिड फॉर्मिक एसिड होता है और उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइल्ड बेस का यूज़ करेंगे जो कि अल्कलाई होता है और वो वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो बेस है वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास डिफाइंड अल्कलाइज। अल्कलाइज क्या होते हैं, ऐसे बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्कलाइज कहलाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस जो कि हमें किसके बारे में बताते हैं, एसिड और बेस के प्रेजेंस के बारे में बताते हैं। ऐसी सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हैं विच इज़ एसिड एंड विच इज़ बेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। सॉल्ट जो है, सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। उसका जो पीएच होता है वो 7 होगा, मतलब वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो वो एसिडिक ना वो बेस। देखो यहाँ पर बता भी रखा है, एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट के साथ कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एडअप रहते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट के साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लूजली एसोसिएटेड होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सच वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। नीचे जो आपको केमिकल्स दिए हुए हैं इसमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज एसिड, विच इज बेस एंड विच इज सॉल्ट। NaCl जो है वो कॉमन सॉल्ट है हमारे घर में जो यूज़ होता है, दैट इज़ NaCl। NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, खाने का सोडा। तो ये हमारे पास ये भी एक क्या है, H2SO4, CaOH2, HCl, H2CO3, L2SO4.24 H2O, CH3COOH, MgOH होल ट्वाइस। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है वो H प्लस देता है, तो जिसके अंदर H है ठीक है वो H प्लस देगा, मतलब वो एसिड होगा, और जिसके अंदर OH है वो क्या है, बेस है। तो ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि H किसके अंदर है और OH किसके अंदर है। जिसके अंदर H है वो क्या देगा, H प्लस, और जिसके अंदर OH है वो OH माइनस। तो एक एसिड है और एक बेस है। H2SO4, इसके अंदर H2, दो H प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एसिड। HCl, H2CO3, ये क्या है, एसिड। CH3COOH, इसके अंदर भी H दिख रहा है। अब इसको ये कन्फ्यूजिंग है, इसके अंदर OH भी दिख रहा है आपको, लेकिन ये है क्या, H प्लस ही है इसके अंदर, तो ये एसिड है। CaOH होल्ड ट्वाइस, MgOH होल्ड ट्वाइस, ये क्या है, बेस। और NaCl, NHCO3, L2SO4 होल्ड ट्वाइस .24H2, ये एलम का थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला है, ये इसमें K2SO4 गायब है लेकिन ये एलम फिट करी है। What is neutralization? The reaction of an acid and base. Base और acid react करके क्या बनाते हैं, salt and water, उसको हम क्या बोलते हैं, neutralization. Why do we add lime to an acidic soil? अगर soil जो है वो acidic है तो हम उसमें lime क्यों add करते हैं, क्यों, क्योंकि soil को हमें neutralize करना है। वो जो plants होते हैं उनकी जो proper growth होती है वो neutral soil में होती है, तो हम जो acidic soil है उसको neutral करने के लिए उसमें क्या add कर देंगे, हम lime add कर देंगे। lime क्या है, as a बेस है लाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड जो है वो टेस्ट में सॉर होते हैं, जबकि बेस जो है वो बिटर होते हैं और टच में सोपी होते हैं। ऑल एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर, सारे के सारे जो एसिड होते हैं ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर, बट सब बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर विच आर नॉन एज द अल्कलाइज। सारे जो बेसिस होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। दे गिव्स एसिड जो हैं वो H प्लस आयंस देते हैं अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करें तो, और जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। एसिड टर्न्स, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, जबकि जो बेस है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, बेसिस का एग्जाम्पल NaOH, MgOH होल ट्वाइस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड क्या है, जो कि बहुत कम, सबसे पहले तो एसिड क्या होते हैं, जो एच प्लस आयन देते हैं, ठीक है. तो जो कम एच प्लस आयन देंगे वो वीक होंगे, जो ज़्यादा एच प्लस आयन देंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे. दे आर नॉन कोरोजिव, जो वीक एसिड होते हैं वो कोरोजिव नहीं होते हैं. जैसे कि हाँ, जो हम यहाँ पर विनेगर है वो अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर भी जाए, एप्पल साइडर विनेगर जो है इसको तो स्किन ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, मतलब फेस पे यूज़ करते हैं हम एप्पल साइडर जो विनेगर होता है उसको, तो हम स्किन पर भी यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब वो कोरोजिव नहीं है, वो वीक एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड जो अगर होता तो वो स्किन को बर्न कर देता है पूरी तरीके से. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब ही कार्बन होता है, तो अगर किसी भी एसिड के अंदर कार्बन है वो उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड के अंदर कार्बन जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है. दे आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, हमारे अंदर प्रेजेंट होता है कौन, ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जबकि मिनरल एसिड होते हैं वो हमारी अर्थ की क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है. सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये क्या है, मिनरल एसिड. न्यूट्रल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन किससे हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड से हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल. मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे. बेसिक सोल्ट स्ट्रॉन्ग, यहाँ बेसिक सोल्ट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे. लेकिन सॉल्ट में बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट. CaCO3 बेसिक सॉल्ट है, जबकि न्यूट्रल सॉल्ट में कौन है, NaCl. अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, वो इंडिकेटर हैं. लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो है वो एसिड के अंदर डालते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड, और बेस के अंदर डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू. और प्योर वाटर में ये कोई कलर नहीं देगा, क्योंकि प्योर वाटर पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है. उसी तरीके से हल्दी जो है वो एसिड के अंदर कोई कलर नहीं देती है, लेकिन बेस के अंदर डालेंगे तो ये कैसे हो जाती है, रेड. तो ये भी क्या है, इंडिकेटर है. जैसे कि गुड़हल का फूल जो था, हमने उसका लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था, एसिड के अंदर डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक है, और जबकि उसके अंदर डालेंगे तो वो कैसा हो रहा था, ग्रीन हो रहा था. एक्सप्लेन व्हाई पिकल एंड जेम्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स. मेटल कंटेनर्स में हम पिकल क्यों नहीं रखना चाहिए, आपने घर में देखा भी होगा कांच के बर्तन में रखा जाता है वो, ठीक है. तो क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जो जो मेटल कंटेनर्स होता है एसिड पिकल्स के अंदर खट्टा होता है, पिकल तो उसके अंदर एसिड होता है, और जो मेटल होता है तो जो एसिड होता है वो मेटल कंटेनर में रखा हुआ है तो मेटल से रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस उससे प्रोड्यूस होती है. हाइड्रोजन गैस किसी भी चीज़ के टेस्ट को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है. तो अगर उसको मेटलिक कंटेनर में रखेंगे हम तो उनके बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन की वजह से जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और फूड जो है वो दैट विल बी अनसेफ फॉर ईटिंग. तो ये होता है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ आर एसिड रेन कूल्ड. एसिड रेन क्या होती हैं, एसिड रेन देखो, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे बहुत धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, उनके अंदर जो गैसेस होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये एनवायरनमेंट में जाती है, ठीक है. अब क्या होगा, बारिश होगी, बारिश के जो पानी है वो इन गैसेस से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा. बारिश का पानी किससे रिएक्ट कर लेगा, इन जो हार्मफुल गैसेस हैं उनसे रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा. और वो एसिड जो है वो बारिश के पानी में, पानी के साथ कहाँ आने लगता है, हमारी अर्थ पर आने लगता है, लैंड पर आने लगता है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन. तो SO2 NO2 CO2 ये जो है ये रिलीज होती है एनवायरनमेंट में और वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, उससे रिएक्ट कर लेती है और एसिड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है. और एसिड का फॉर्मेशन, ये एसिड जो है वो बारिश के पानी के साथ नीचे आने लगता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं. इसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो ताजमहल है वो आजकल पीला पड़ता जा रहा है उसका मार्बल. क्यों, क्योंकि जो ताज आगरा जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, उनके अंदर हार्मफुल गैसेज होती है, तो वहाँ पर बारिश जब भी होती है तो एसिड रेन ज़्यादा होती है वहाँ पर. तो एसिड रेन जो है वो एसिड मतलब एसिड वो किसी भी चीज़ को ख़राब कर देता है. तो मार्बल को भी डे बाई डे
इट इज़ कोरोजिंग। तो ये मार्बल को भी ख़राब कर रहा है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। हमारे ऊपर भी गिरेगा तो हमारी स्किन को हम इरीटेट करेगा, यानी उसकी स्किन को बर्न कर सकता है। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। वाई आर फैक्ट्रीज वेस्ट न्यूट्रलाइज बिफोर दे आर डिस्पोज टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले फैक्ट्रीज़ के जो वेस्ट होते हैं उसको क्यों न्यूट्रलाइज करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो न्यूट्रल वाटर में ही जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट्रीज जो वेस्ट होता है उसके अंदर एसिड की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, अल्कलाई सोल्यूशन उसके अंदर डाला जाता है ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके और वाटर कैसा हो सके, न्यूट्रल। और उसके बाद हम कहाँ डालते हैं, उसको वाटर बॉडीज़ के अंदर डालते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, हाउ कैन एनहाइड्रस सॉल्ट चेंज इनटू द हाइड्रेटेड फॉर्म। एनहाइड्रस को हम हाइड्रेट में कैसे चेंज करेंगे? तो एनहाइड्रस सॉल्ट कैन चेंज इनटू देयर हाइड्रेटेड फॉर्म व्हेन वाटर इज एडेड। एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर नहीं है, तो वाटर को ऐड कर देंगे तो वो हाइड्रेटेड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ आर एसिड बर्न्स ट्रीटेड। एसिड को कैसे, एसिड बर्न अगर एसिड से जल जाए तो कैसे ट्रीट किया जाए? तो सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा वाटर से वॉश करेंगे, आप मिल्क से भी वॉश कर सकते हैं। उसके बाद एसिड से बर्न हुए तो हम उस पे ऊपर क्या स्प्रिंकल करेंगे, बेस स्प्रिंकल करेंगे, जो बेकिंग सोडा है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एड है ये। आप घर पर अगर ऐसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इमीडिएटली यू शुड गो टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। यू हैव टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड इट विल बी चेक्ड व्हेन स्कूल विल रीओपन। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।